दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के टीम एनालिसिस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीमों में से एक टीम पाकिस्तान के बारे में, जहां पर काफी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला है और इसके बाद यहां पर बाबर आजम को फिर से वापस कैप्टेंसी दी गई है और साथ ही मोहम्मद आमिर को एक लंबे समय के बाद वापसी कराई गया रही है। अब इस टीम में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहां तक ये टीम जा सकती है, इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें स्क्वाड की ओर, तो यहां पर टीम का कैप्टन बाबर आजम है। इसके अलावा सैम अयूब, फखर जमा, मोहम्मद रिजवान, आजम खान और इसके अलावा उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, सादाब खान, साहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, अब्बास अफरीदी, हारिस राउत और मोहम्मद आमिर की स्क्वाड के रूप में ये टीम जा रही है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम इस टीम की बल्लेबाजी देखें, तो यहां पर बल्लेबाजी में स्ट्रेंथ इनकी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की कंसिस्टेंसी है। ये दोनों ही खिलाड़ी, हालांकि इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा लो रहता है, लेकिन काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते हैं। और साथ ही फखर जमा, जो कि काफी टंट है और इनका निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस और एक्सप्लोसिव अप्रोच यहां पर बेहतर करते नजर आ सकती है पाकिस्तानी टीम। और निश्चित तौर पर यही तीन बैकबोन होने वाले हैं बल्लेबाजी की। लेकिन अगर हम इस टीम की कमजोरी देखें, तो यहां पर जो हिटर लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी टीम, उस्मान खान हो या आजम खान, लीग में तो काफी बढ़िया करते हैं, नो डाउट। PSL में इनका बोलबाला रहता है, इसके अलावा भी दुनिया भर की लीग जो खेलते हैं वहां पर बेहतर करते नजर आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इनका कुछ खास अभी छवि नहीं बना है, कितना कुछ कर नहीं पाए हैं। निश्चित तौर पर ये ज्यादातर यहां पर फेलियर भी इनका देखने को मिला है और हम उम्मीद करेंगे कि यहां पर कुछ बेहतर कर पाए, लेकिन कितना अप्लाई कर पाएंगे इस क्रिकेट के सबसे बड़े टफ फॉर्मेट में, निश्चित तौर पर ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वहीं पर इफ्तिखार अहमद एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर है, लेकिन थोड़ा सा इनकी भी फॉर्म अनप्रेडिक्टेबल रहती है, थोड़ा गेंदबाजी में करके देते हैं। कुल मिला के इनकी बल्लेबाजी हमको उतनी मजबूत नहीं लग रही है। एक दृष्टिकोण ये भी है, अहम मौके पे जब बड़े मैचेज होते हैं उनके सबसे प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम फेल ही ज्यादातर रहते हैं, थोड़ा सा यह टीम को लेके नहीं चल पाते हैं। इनके ऊपर एलिगेशन भी लगता है कि अपने फेवरेट प्लेयर्स को चाहे वो दोस्ताना में ज्यादा यूज करते हैं। और इसका एक प्रमाण यह भी है कि इंग्लैंड के खिलाफ जब सीरीज 2-0 से हार के आ रही है ये टीम, अबरार अहमद जिसको मिस्ट्री स्पिनर के रूप में ले जा रहे हैं उसको चांस तक नहीं दिए, जबकि सादाब खान निश्चित तौर पर फेल्योर ही रहे हैं इस सीरीज में। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहां पर कुछ अच्छा कर पाए पाकिस्तानी टीम, लेकिन उतनी अच्छी स्ट्रेंथ हमें दिख नहीं रही है। तो वहीं पर गेंदबाजी की ओर अगर हम नजर डालें, इनकी तेज गेंदबाजी टू बी ऑनेस्ट अच्छी दिख रही है। यहां पर साहिन शाह अफरीदी की अगुवाई में नसीम शाह हैं, वहीं पर हारिस राउत, अब्बास अफरीदी और वापसी हो रही है एक लंबे समय के बाद मोहम्मद आमिर की। तो निश्चित तौर पर इनकी तेज गेंदबाजी हमें डिसेंट लग रही है और यहां पर ये तेज गेंदबाजी अच्छा करती भी नजर आएगी। लेकिन यहां पर कमजोरी इनकी दिख रही है स्पिन गेंदबाजी। यहां पर क्वांटिटी तो काफी मात्रा में है, लेकिन क्वालिटी की कमी दिख रही है इनकी स्पिन गेंदबाजी में। अगर हम देखें तो यहां पर सादाब खान अगुवाई कर रहे हैं जो कि स्पिन ऑलराउंडर हैं, वहीं पर उसके अलावा इमाद वसीम की वापसी हो रही है जो कि काफी बढ़िया पिक है। एक डिसेंट स्पिन गेंदबाजी करने के साथ साथ एक बढ़िया हिटिंग भी करते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करते हैं। अबरार अहमद के रूप में मिस्ट्री स्पिनर ले जा रहे हैं, लेकिन कितना रोल उनको मिलेगा देखना मुश्किल होगा। इनको जो प्रिपरेशन सीरीज थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उनको मौका ही नहीं मिला है, तो कितना करेंगे। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद एक और नाम है जो कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं और बैटिंग अच्छी करते हैं, स्पिन गेंदबाजी भी करवाती है टीम, ठीक ठाक करते हैं। लेकिन वही है कि यहां पर क्वांटिटी काफी मात्रा में है, क्वालिटी में कोई इतना बड़ा नाम देखने को नहीं मिल रहा है। कुल मिला के ये टीम सुपर 8 तक जाएगी, इसके बाद यहां पर सेमीफाइनल में पहुंचने में इसे काफी हद तक मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसकी खास परेशानी यह है कि ये टीम एक साथ क्लिक नहीं करती है, एक या दो खिलाड़ी क्लिक करते हैं, बाकी के खिलाड़ी फेल्योर ही रहते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर ये अहम मौकों पे ये टीम क्लिक कर जाती है तो ये टीम काफी आगे तक जा सकती है, नॉकआउट मुकाबलों में ये काफी खतरनाक क्रिकेट खेलती है। वैसे सुपर 8 के बाद ये कैसा खेलेगी, यहां पर ये कौन से प्लेयर इनकी क्लिक कर पाएंगे, इसकी ओर देखने को मिलने वाला है। आपको क्या लगता है इस टीम को कौन सा प्लेयर ज्यादा बेहतर कर सकता है, कौन से प्लेयर यहां पर ज्यादा आगे तक ले जा सकता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।